क्या तुम लोगों को क्लैन में सीज मशीन नहीं मिलती? नहीं। क्या तुम लोग से वार में CWL में मल्टीप्लेयर अटैक में 3 स्टार नहीं होता? नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद हर चीज बदलने वाली है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो हेलो स्मार्ट क्लैशर्स, वेलकम टू माय चैनल COC विद SS। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले टाउन लेवल 10 अल्ट्रा लेजेंड बेस्ट अटैक स्ट्रेटेजी विदाउट सीज। किसी सीज का यूज आपका नहीं होना, मैं आपको लाइव 3 स्टार करके दिखाऊंगा और फ्रेंड्स 100% आपको करके दिखाऊंगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस आर्मी को ढंग से सीख लेना एंड ढंग से अटैक करा तो फ्रेंड्स 100% आपका 3 स्टार होगा दोस्तों। चिंता लेने की जरूरत नहीं, टोटका है भाई ये। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी आर्मी दिखा देता हूँ। आपको लेना है 10 बैलून्स, 9 ड्रैगन, 5 मिनियंस, 8 लाइटनिंग स्पेल, 1 रेज स्पेल, 1 फ्रीज स्पेल, सीज हिसाब को 1 इलेक्ट्रो, 1 बैलून लेना है, 1 फ्रीज लेना है एंड आपको स्टोन स्लैमर लेना है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे दोस्तों, आपको सीज नहीं लेनी है यार, ये तो मैंने मजाक में बोल दिया था। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बुरे लग रहे, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो यार बिना कोई मजाक कर मैं अटैक करता ना तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और मैं लंबी वीडियो पसंद नहीं करता। ये बेस थोड़ा रस लग रहा है, इसको यार इसको हटा देता, कोई मैक्स बेस में अटैक करेगी तो भाई बिना कोई यार कोई मजाक नहीं यार, मजाक तो बिन मजाक के तो वीडियो नहीं सकती यार। पर यार कोशिश मैं जरूर करूँगा, नाकाम कोशिश। तो भाई हमें मैक्स बेस मिल गया, बिल्कुल कतई बिल्कुल मैक्स बेस है, हम इसमें अटैक करेंगे अपना ड्रैगन अटैक। आपको क्या करना है, एयर डिफेंस के साथ आपको कोई दूसरी बिल्डिंग भी लेनी है। जैसे एयर डिफेंस के साथ मैं ये जो स्वीपर है वो ले लूँगा, अगर क्वीन होती तो मैं 100% एयर स्वीपर के साथ क्वीन भी लेता। आप देख सकते हैं क्वीन यही कि यही ठिकाने लगा देता मैं आपको। एयर डिफेंस के साथ बहुत बार क्वीन लिख रखे रहती है, आपको लेनी है। एंड फ्रेंड, 2 एयर डिफेंस, 1 साइड का आपको टैकल करने हैं, अदर साइड के नहीं, 1 साइड के। इस बाइक को भी आना था यार। तो भाई चलिए फिर हम यहाँ कर देते हैं, ये हमने आपको मिनियन छोड़ देना है, मतलब जहाँ जगह बची है क्लियर करने के लिए कि हमारा टाइम फेल ना हो। मैं आपको दिखाऊँ कि टाइम फेल भी हो सकता है इस अटैक में, अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे मैं करके दिखाऊँगा आपको, आप चिंता मत मानिए। तो लो भाई, हमने सीज हटा लिया, बाबा कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। मैंने किनारे में ड्रैगन डाल दिया फनल के लिए, और आपको अगर हीरोज़ अगर आपके बीच में गए ना तो 3 स्टार होने से ये अटैक कोई नहीं रोक सकता। बस आपको किसी तरह हीरो बीच में ले जाने हैं, अगर बीच में नहीं ले जा पाने आप, आपको पता चल गया तो आपको किनारे में छोड़ देने हैं। और रेज आपको जब आप चाहे जब यूज़ करनी है, वैसे आप शुरू में मत ही कीजिए जहाँ हैवी डिफेंस दिखा। मैंने शुरू में रेज इस्तेमाल कर दी थी, गलत कराया देखिए। अब मुझे रेज इस्तेमाल करनी चाहिए थी जब ये सारे हैवी डिफेंस में पहुँच गए इलेक्ट्रो की तरफ, इस तरफ जब इलेक्ट्रो, वहाँ अगर मैं रेज यूज़ करता इस टाइम तो ये मेरे कहने से पहले 3 स्टार रखता। देखिए क्वीन अंदर पहुंच गई है, और जो ये क्वीन अंदर पहुंची है हमारे सबसे अच्छा काम हुआ है, 100% 3 स्टार हो जाएगा। आपको बस किसी तरह हीरो अंदर पहुंचाने हैं, अगर हीरो नहीं पहुंचा पाए तो भाई आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ रेज क्या क्या फ्री डालें, जैसे मैंने लगाया था। और अगर आपके क्वीन और किंग अंदर पहुँच गए तो भाई फिर तो 3 स्टार पक्का है, पक्का बिल्कुल। तो आप ये देख पा रहे होगे 100% 3 स्टार है। मैंने लाइव अटैक करा था, किसी का रिप्ले नहीं दिखाया कि भाई मैंने रिप्ले पकड़ा दिया है, आपके सामने लाइव अटैक किया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने अटैक कब किया है, 15 डेज अगो, 35 डेज अगो, 20 डेज अगो, ऐसे मैं अटैक करता हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अटैक नहीं करता हूँ। कभी कभार तो मैं लीग में नहीं आता हूँ, 1 मंथ में एक भी अटैक नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं 3 स्टार कर पा रहा हूँ, जो मैं मेन प्लेयर नहीं हूँ टाउन लेवल 10 का, मैं इतना खेलता नहीं हूँ, तो आप तो समझिए कि कितनी जल्दी आप 3 स्टार कर दोगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हो भाई कैसे 3 स्टार कर दिया है, ये देखिए आराम से बिल्कुल 3 स्टार हो गया है विदाउट एनी डिले। और अगर सीसी है जब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्वीन और किंग अगर अंदर गए सीसी को निपटा देंगे, वैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन में निपटा देंगे, बस एक रेज डालने की जरूरत है, वैसे बिना रेज के पर रेज डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको और लाइव अटैक करके दिखाता हूँ और हम अगली लीग में भी आ गए। मैंने लीग में आने के लिए भी कल ही अटैक करा था, मैं लीग में नहीं आया था, मुझे कोई लीग नहीं मिली थी। तो फ्रेंड्स यार, हम थोड़ा सीसी लेकर दोबारा आ जाते हैं, स्टोन स्लैमर ऐसे ही पड़ा रहेगा एंड मैं आपको एक और लाइव 3 स्टार अटैक दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम सीसी लेके आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने दिल की जान, अपने जिगर का टुकड़ा, अपने फेफड़ों की नस और वो सीसी लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं लेवल 3 का इलेक्ट्रो, लेवल 8 का बैलून, यस 8 का बैलून, भाई क्या तुक्का लगाया है। दोस्तों मुझे पता है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, नहीं तो भाई यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं रोज़ COC से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ यार, बहुत वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख लेना, सब्सक्राइबर बढ़ने रहे यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ COC के नाते यार आपकी मदद की है मैंने, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। अब तो भाई आपका लोहे लोहे
पत्थर जैसा दिल तो आपका नहीं है कि पिघलेगा या नहीं, तो अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। एंड फ्रेंड्स यार कमेंट करो, आप जो भी टॉपिक कमेंट करोगे मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अगले या उससे अगले दिन ला दूंगा, मैं आपके कहने पर ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए कमेंट कर दो। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम वीडियो में आते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दोगे, सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। तो भाइयों ये मिल गया हमें बेस, चलो भाई इसमें टैग करते हैं। इतना मैक्स तो भाई बेस नहीं है पर यार सही है, मतलब टनल टैन के साथ सब कुछ लगा हुआ है, इन्फर्नो भी लगे हुए हैं पर मैक्स नहीं है पर भाई लगे हुए हैं जो बात है। और भाई मुझे ये भी नहीं ढंग के बेस मिल रहे थे, टाउन हॉल 9 मिल रहा था और टाउन लेवल 10 मिल रहा था, रश मिल रहा था, या फिर अगर मैक्स मिल रहा था तो उसमें अच्छी लूट नहीं मिल रही थी। मैक्स में भाई 2-2.5 लाख के लूट मिले तो ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने अटैक की शुरुआत कर दी और यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाइटनिंग स्पेल से मैंने कितना सारा डैमेज दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिफेंसिव बिल्डिंग है फ्रेंड, 3 और एयर डिफेंस के साथ आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एयर डिफेंस के साथ जितना हो सके आपको उतना दूसरी डिफेंसिव बिल्डिंग भी लेनी है। और भाई ये मत कर देना कि एयर डिफेंस रह जाए, बस ये बहुत दिक्कत होती है, कभी और हो जाता है भाई ये। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें किंग और क्वीन छोड़ूंगा किनारे में क्योंकि बीच में जाने का बहुत मुश्किल है। एंड किनारे में भाई बहुत सारे हमें जो है चीज़ें मिल रही है, जैसे किंग क्वीन हैवी डिफेंसिव बिल्डिंग मिल रही है। और मैंने मदद करने के लिए ड्रैगन छोड़ दिया और आपको बैलून छोड़ दिया और मैंने ड्रैगन छोड़ दिया। इधर का फनल कितने अच्छी तरीके से बनाया दोनों तरफ का, दूसरी तरफ का मैंने पहली लाइटनिंग से फनल बना दिया था, ड्रैगन भी फनल बना रहा है। और अब मेरी रेज का पोजीशन देखना, मैं कितने अच्छी तरीके से रेज डालूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने इलेक्ट्रो छोड़ दिया, अभी आगे जाएगा और फ्रीज मैं इसमें डाल देता हूँ। भाई ये एयर स्वीपर थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे, जो कि मैं होता नहीं हूँ, तो भाई इनकी बिल्कुल वाट लगा देंगे हम। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने रेज छोड़ा और फ्रेंड देखिए कितनी बढ़िया जगह छोड़ा, अब 100% 3 स्टार हो जाएगा। और ये एयर स्वीपर दोबारा परेशान कर रहा था, इसने देखिए इलेक्ट्रो को उधर भेज दिया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना बने आपके लिए मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल 3 स्टार हो गया हमारा ये बेस, बिना कोई टेंशन के बहुत आराम से विदाउट यूजिंग ऑफ सीज मशीन आप ये देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब मैं आपको थोड़ा ऐसा टैग दिखाऊंगा जिसमें टाइम फेल होगा मेरा, तो फ्रेंड्स तो टाइम फेल क्यों हुआ आपको बिल्कुल देख के पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने ले ली डोनेशन और भाई हमारी सीज मशीन बेचारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। गजब बेइज्जती है। तो चलो कोई ना यार हम तो यूज़ कर लेंगे, आपको नहीं मिलता है तो भाई आप भी नहीं यूज़ करें, बिल्कुल फटैक तरीके से 3 स्टार मार दोगे। तो फ्रेंड्स हम कोई बेस ढूंढते हैं जिसमें हम 3 स्टार कर पाए, इसमें करें, पर यार मुझे थोड़ा रश बेस लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो यार नहीं यार इसमें नहीं करते, ये रश लग रहा है नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बेस ढूंढकाता हूँ, एक मैक्स का बेस ढूंढकाता हूँ। सो फ्रेंड्स भाई ये मिल गया बिल्कुल मैक्स बेस, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल चोखा, जिसको हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल चोखा मैक्स है भाई, आप देख सकते हैं। और भाई ऐसा वैसा बेस नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला बहुत डिफेंडेबल बेस है भाई ये। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें अटैक करेंगे और आप देखिए मैं एयर डिफेंस के साथ क्वीन लेने की सोच रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हम एयर डिफेंस के साथ क्वीन ले लें तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वीन को इधर आने दो फिर लेंगे, तो फ्रेंड्स थोड़ी और इधर आने दो फिर ले लेंगे, बस थोड़ी सी और इधर आ जाए, अरे यार इधर चली गई। तो फ्रेंड्स अब ये देखना भाई ये टाइम फेल होगा 100% क्योंकि मैं क्वीन के अंदर करते करते आधी मिनट तो ऐसे ही बिता दूंगा। आप ये देख सकते हैं देखिए कितने 10 सेकंड बीत गई और अभी भी होता जाएगा। कब हम लाइटनिंग स्पेल डाली कि हमें क्वीन भी मिल जाए, आपको ऐसे ही करना है। ये देखे मैंने लाइटनिंग स्पेल डाली पर भाई कुछ नहीं हुआ यार, ये देखिए घाटा देखिए आप कितना बुरा हुआ, हमें नहीं मिला यार, हमें नहीं मिला। तो भाई उसमें भी हम ऐसे ही डाल देते भाई, किंग के अंदर नहीं करते हैं, क्या पता हम ज़्यादा हो जाए। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारी आधी मिनट इसमें बीत गई कि हम कब डालें कब डालेंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, पर थोड़ा इंतजार करना है कि आप तक क्वीन भी मिल जाए, पर इसमें नहीं मिल पाई है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं फनल क्रिएट कर देता हूँ एंड बीच में डाल देते हैं हम अपने ड्रैगन्स। आप ये देख सकते हैं यार थोड़ा टाइम फेल हो गए भाई, ये आधी मिनट कम नहीं होती, अगर 10 सेकंड भी होती ना जब भी हो जाता है 3 स्टार। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना मैक्स बेस, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक बेस है, इन्फर्नो टावर बिल्कुल बीच में है जो कि एक खतरनाक बेस की निशानी होती है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारे ड्रैगन बिल्कुल गए अंदर एंड हम डाल देंगे रेज, और बिल्कुल सही टाइम पे हमने रेज डाला है। अब केवल हम इलेक्ट्रो के साथ रेज नहीं डाल सकते थे, आप ये देख सकते क्योंकि इलेक्ट्रो बिल्कुल किनारे में था, तो हम बिल्कुल सही टाइम पे मैंने फ्रीज डाले। हम टाउन हॉल अगर ले ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ये हमने ले लिया टाउन हॉल। तो फ्रेंड ये थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए मैं थोड़ा कट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे इलेक्ट्रो रह रहा था, एक ड्रैगन रह रहा था और 95% हुआ है और कोई भी डिफेंसिव बिल्डिंग नहीं रह रही थी यार। प्लीज़ आप देख सकते हैं अगर 10 सेकंड भी और मिल जाती ना 100% 3 स्टार हो जाता। तो फ्रेंड्स आपको ये गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि थे वीडियो, भाई मैं बहुत मेहनत करूँ यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़।
प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कितनी बार बोलूंगा मुझे पता नहीं है बस। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेगी।